हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। तो यार आ गए हम लोग संडे मनाने, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली ये बताऊंगा कि एज अ स्टूडेंट या एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट मेरा संडे कैसा होता है। मतलब हर संडे कुछ ना कुछ प्लान करता हूँ मैं, ठीक है। तो इस संडे वी हैव कम टू ईस्ट मिडलैंड्स। तो ईस्ट मिडलैंड्स यार बेसिकली मैं बता दूँ क्या सीन है, यहाँ पे सारे ब्रांड्स के डिज़ाइनर आउटलेट्स होते हैं। तो ये जगह ही सिर्फ ब्रांड्स की है जहाँ पे उनके डिज़ाइनर आउटलेट्स है, दैट्स ऑल। मतलब पूरी जगह में बस वही है। तो ये एडिडास का है, फिर आई थिंक अंडर आर्मर है, फिर नाइकी है, प्यूमा है। तो यहाँ सारे ही ब्रांड्स हैं, मतलब एवरीथिंग, लाइक टेड बेकर, नॉर्थ फेस, सब कुछ है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या सीन है, कैसा कैसा है। मैं पहले भी आया हुआ हूँ यहाँ पे, तो हम ऐसे 2-3 महीने में एक बार आ जाते हैं शॉपिंग करने। तो अब मिलते हैं अंदर, जाके दिखाता हूँ आपको क्या क्या मिलता है। ओके भाई, तो पहला स्टोर जो है वो है एडिडास, ठीक है। तो एडिडास के डिज़ाइनर आउटलेट में जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है वो यहाँ पे ये सीन है कि नाइकी के आउटलेट में जॉर्डन्स नहीं थे। अब मेरे को नहीं पता एडिडास के आउटलेट में ओरिजिनल्स होंगे या नहीं, लेकिन भाई क्रेजी बड़ा वो है, क्या बोलते हैं, आउटलेट, ठीक है। तो अब मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ अगर मैं कुछ परचेज करता हूँ तो। मिलते हैं आगे। ओके, तो भाई एज यूजुअल एडिडास के अंदर शूट करना अलाउड नहीं था, बट मेरे को ओके शोकेश लगा। मतलब तुम ये लगा लो 57% तक ऑफ था, तो यू नो ऑल दोस टेरेक्स शूज और स्टफ, मतलब 220 पाउंड, मतलब 22,000 के जूते थे तो वो 9,400 के मिल रहे थे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ये सारा आई थिंक किचन अप्लायंस और ये सब है। तो पिज्ज़ा एक्सप्रेस, ये किचन, वो क्लोथिंग, वो पता नहीं, फिर ये प्रो कुक, ये भी प्रो कुक, ठीक है। तो ये सब तो मेरे काम का है नहीं, घर वाले ही जाएंगे यहाँ पे। माई थिंक इज आई वॉन्ट न्यू बैलेंस का स्टोर अगर यहाँ पे हो तो नाइकी, प्यूमा देख सकते हैं। यही कुछ 3-4 ब्रांड है यार जो मैं पहनता हूँ, और ऐसे कुछ फैंसी आउटफिट्स बोल रहा हूँ, आउटफिट्स नहीं होती मेरी। आज भी मैंने एक प्लेन वाइट टी शर्ट विद माई जीन्स एंड माई कैक्टस जैक्स बस यही पहना हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, अब मेरे को नाइकी के स्टोर जाना है मेनली, क्योंकि मेरे को एडमैक्स बहुत पसंद है और अंडर आर्मर का स्टोर भी है यहाँ पर, ठीक है। तो मिलते हैं आगे जाके। पता नहीं यार, मेरे को लगता है यहाँ के स्टोर्स में शूट करना अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर आके एक्सपीरियंस बता पाऊँगा। मिलते हैं। ओके, तो भाई अब हम आ गए प्यूमा में, और मेरे को ये लग रहा है भाई यहाँ का प्यूमा इंडिया के प्यूमा से सस्ता है, क्योंकि जितना भी फरारी और मर्सिडीज़ कलेक्शन है इनका वो बहुत सस्ता है। जैसे 21-21 पाउंड की है, मतलब 2100 की। और यही कैब जहाँ तक मेरे को याद है जब मैंने अपने डैड के लिए खरीदी थी इंडिया में, तो वो 4,000 की थी, तो 4,000 की थी, ठीक है। और प्यूमा वाले बहुत अच्छे हैं भाई, एडिडास वालों ने शूट नहीं करने दिया हमारे को, ठीक है। और अब मैं तुम्हारे को इनके शूज़ दिखाता हूँ, ठीक है। क्लोथिंग नॉट टू बैड, 15 पाउंड समवेयर लाइक दैट। 15 हुडीज़ हैं 20 पाउंड की, ठीक है। फुटबॉल शूज़ 70, नॉट बैड, मतलब 7,000-7,000 के, ठीक है। और फिर तुम जैसे ये वाले शूज़ हैं तो 49 के, ठीक है। मेरे को एक ये शूज़ प्यारे लगे, ये हैं शायद 30 समथिंग के हैं, ठीक है। और अगर तुम ये वाले शूज़ का कलेक्शन देखो तो ये भी सारे फ्रॉम 45 टू, मतलब सबसे महंगा ही 45 का है, तो मतलब 4,500, 30-31 से लेके 4,500, मतलब वही 3,100 से 4,500 तक। और उसके बाद यहाँ पे सारे वो शूज़ होते हैं जो वन ऑफ से रह जाते हैं, जो एक एक सिंगल सिंगल पीस रह जाता है, और उनका प्राइस यहाँ लिखा होता है, तो लाइक 49, 50, कोई 20, कोई 30, ऐसा होता है, ठीक है। तो जैसे ये है तो ये सारे क्लियरेंस में है, ठीक है। अब जैसे ये, दिस इज़ फरारी, और ये आपको पड़ेगा 95 वाला 65 में, 6,500 का। फिर ये वाला है, ये भी फरारी है, ये आपको पड़ेगा 45 का, 4,500 रुपये का। भाई ये भी प्यारा शू लग रहा है, बट थोड़ा चटक पटक है मेरे लिए। मेरे को एक ये प्यारा लगा,
और कौन से प्यारे हैं यहाँ पे? बस एक ही सही लगे मेरे को तो, ये वाले जो पिंक लेसेस है ये मेरे इन जूतों के साथ अच्छे लगेंगे, वो कर नहीं सकता। ठीक है चलो अब चलते हैं आगे। प्यूमा में भी यार ठीक ठाक लगा, मेरा मेन फेवरेट नाइकी ही है। ठीक है मैं देखता हूँ, अगर मेरे को कोई कैप पसंद आएगी तो मैं देखता हूँ, क्योंकि तुमने शायद देखा होगा मेरे हर वीडियो में मैं कैप पहनता हूँ, अलग नया शौक चढ़ा है मेरे को कैप्स पहनने का, तो देखते हैं अगर कुछ लेता हूँ तो मैं दिखाता हूँ, अदरवाइज नेक्स्ट हो। ओके तो भाई मैं एक एवरेज बताता हूँ, तो अगर मैं एक मर्सिडीज एएमजी की कैब परचेज करता हूँ वहाँ से, तो उस कैब का ऑन स्टोर प्राइस है 45 पाउंड, मतलब 4,500। मेरे को वो पड़ती है आफ्टर माई डिस्काउंट्स एंड स्टफ, मतलब इन स्टोर वो पड़ती है फिर आगे डिस्काउंटेड, बट मैं मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं जिसकी वजह से मेरे को और डिस्काउंट मिलता है, तो मेरे को पड़ती है 17 पाउंड की, मतलब 1,700 रुपये की 4,500 वाली चीज़, तो नॉट टू बैड। ओ भाई क्या ही मौसम है भाई आज, क्या ही मौसम है, बहुत प्यारा उमदा मौसम। तो अब लेसर्ट को आगे देखते हैं, अब आगे कहाँ जाते हैं यार पता नहीं, अंडर आर्मर नाइकी बचा है मेरे हिसाब से, बाकी देखते हैं सुपर ड्राई भी, तो मिलते हैं अगले स्टोर में। ओके तो भाई नेक्स्ट स्टोर है सुपर ड्राई। सुपर ड्राई पे ऑफर चल रही है जो उन्होंने हमें घुसते ही बता दिया, विच इज़ 30 पाउंड में दो टी शर्ट्स फॉर फीमेल्स, 35 पाउंड में दो टी शर्ट फॉर मेल्स, तो मतलब 35 पाउंड की दो टी शर्ट का मतलब हो गया एक कितने की पड़ी, 1,750 की। सुपर ड्राई नॉट बैड। एंड देन दिस इज द नेक्स्ट सेट ऑफ थिंग्स। पता नहीं यार मेरे को इतनी ग्राफिक टीज पसंद ही नहीं आती, मेरे को पसंद ही टी शर्ट्स वो आती है जो प्लेन होती है। अभी भी मतलब जब मैं घर से निकल रहा था तो मैंने 4 टी शर्ट चेंज करी और एंड में वही पहनी जो प्लेन थी, तो इट इज़ वॉट इट इज़ भाई, मेरी प्रेफरेंस ही वही है। ये इनके बैग्स हैं, दैट्स सुपर ड्राई, नॉट टू बैड नॉट टू बैड। तो देखते हैं अगर यहाँ कोई ऑफर वगैरह बढ़िया मिलती है देन वी विल ग्रैब दैट, वरना भाई नाइकी तो भाई ठीक है, तो मिलते हैं। ऑफर्स इन सुपर ड्राई नॉट एज एक्सपेक्टेड, ओके ओके ऑफर्स थे, तो मैं अभी अपने घर वालों को वही कह रहा था कि भाई अगर नाइकी पे ऑफर्स नहीं मिले मेरे को तो डिसअपॉइंटमेंट से भर जाऊंगा मैं, इतनी दूर आना वेस्ट हो जाएगा मेरा। ठीक है तो या तो एयर मैक्स पे कोई ऑफर्स हो, या नाइकी के कैप्स पे कोई ऑफर्स हो, या शॉर्ट्स पे कोई ऑफर्स हो, बस ये दो तीन चीज़ों का शौक है मुझे। तो चलते हैं हम नाइकीज या फिर अंडर आर्मर्स, देखते हैं पहले कहाँ जाते हैं। मेरे हिसाब से अंडर आर्मर पहले जाएंगे क्योंकि अंडर आर्मर आ ही गया है, और फिर जाएंगे नाइकी। भाई मेरे घर वाले निकल गए आगे, मैं तो समझ ही नहीं आता कभी कभी। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अगला स्टोर क्या, उसके बाद मिलता हूँ वहाँ पे जाके, बाय बाय लेसर को। ओके तो भाई अंडर आर्मर से आगे बाहर, क्या पसंद आई थी हम लोगों को हमने वही ली, और बाकी तो और कुछ खास नहीं था, और सही था नॉट टू बैड बट ओके ओके। मेरे को अभी तक की सबसे बढ़िया ऑफर्स मिली एडिडास पे, बट वहाँ से कुछ पसंद नहीं आया। यहाँ पे भी ये कैप का कलर थोड़ा ठीक था, तो इट्स ऑल राइट। ठीक है अब चलते हैं अगले स्टोर पे एंड देखते हैं आगे क्या पसंद आता है, मिलते हैं। उसके बाद तुमने टाइम लैप्स देखा होगा, टाइम लैप्स लिया थोड़ा बहुत, फिर हम गए हारीबू में। हारीबू से हमने लिए ये दो चीज़ें, तो एक तो इनके ये रेनबो स्ट्रिप्स है विच इज़ वेजिटेरियन, और दूसरा एक मार्शमेलो कीरिंग, थोड़ा सही लग रहा था तो वो ले लिया। चलते हैं अब आगे, मेरे को बस वेट है नाइकी का, तो नाइकी पे जाते हैं फिर मिलता हूँ तुमसे। ओके तो भाई एक और रैंडम परचेज हम लोगों ने अभी करी विच इज़ दिस, तो ये बेसिकली एक मिल्क फ्रॉथनर है और हॉट चॉकलेट मेकर है, तो हमारी कॉफ़ी थोड़ी और बेटर टेस्ट करेंगी इससे। अब घर जाके इसको ट्राई करेंगे, देखते हैं, किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगा इसमें कॉफ़ी बना के, एंड रिव्यू देखेंगे कैसा आता है इसका। ठीक है अब इसको रखते हैं गाड़ी में, चलते हैं नाइकी। भाई बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ मैं नाइकी पहुँचने का, और मिलता हूँ आपसे नाइकी पहुँच के। We'll be right back.
भाई अब ऑन द वे टू नाइक, कैडबरी भी है यहाँ पे, लिंट भी है यहाँ पे, बॉस, तो सारे स्टोर है। एक न्यू बैलेंस नहीं दिखा मुझे, बस सीके भी है लेकिन बस न्यू बैलेंस नहीं दिख रहा, बट ठीक है इट्स ऑल राइट। चलते हैं अब आगे, बुरा नाइक अगर तुम लोगों को दिख रहा हो तो फोटो में दिखाता हूँ जूम करके, ये रहा, ठीक है तो चलते हैं अब जल्दी से बग के अंदर, मिलता हूँ अंदर पहुँच के। ये है इनका नाइकी स्टोर, बट उसके अंदर अगेन शूट करना अलाउड नहीं था, मेरे को समझ नहीं आता आधे स्टोर्स अलाउ करते शूट करना आधे नहीं करते, और पूरे के पूरे स्टोर में टोटल एक पैर जॉर्डन था और वो भी 10.5 नंबर का, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है तो अब कॉफ़ी शॉफ़ी पियेंगे और जाएंगे घर, भाई बहुत थक गए, ये वीडियो एडिट भी करनी है और मोस्ट प्रोबेबली आने वाले एक हफ्ते में बहुत तगड़ी अनाउंसमेंट भी होगी। ठीक है तो बने रहो, ठीक है। आई होप यार ये अभी तक व्लॉग पसंद आया होगा, थोड़े बहुत क्लिप्स अगर मैंने वापस जाते हुए शूट करे तो मैं वो डाल दूंगा, वरना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं अगले व्लॉग में या अगले वीडियो में, सॉरी व्लॉग्स हम संडे के संडे वाले डाला करेंगे, तो हर मंडे एक व्लॉग डालेंगे कि मैंने संडे को क्या किया, कोशिश यही रहेगी वरना कुछ ना कुछ तो डालते रहेंगे। मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू लेट।